हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो मेरा ये ब्लॉग कुआं पूजन वाले ब्लॉग से आगे चल रहा है। देखिए, अब हम लोग आ गए हैं, पार्टी जहां हो रही है वहीं वेन्यू पे पहुंच गए हैं और डेकोरेशन बहुत ही सुंदर थी। और बस यहां से हम लोग आगे बढ़े और मेन गेट पे ये देखिए छोटू खड़े हैं। छोटू की ही बेटी श्रीजा का बरहो संस्कार है, उसी की पार्टी है। जो फर्स्ट नंबर पे दिख रहे हैं ये छोटू है, इनको आपने मेरे दिल्ली वाले ब्लॉग्स में भी देखा होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये मम्मी आ रही हैं और डेकोरेशन बहुत ही सुंदर थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और ना ही गर्मी, तो बहुत ही सुहाना सा मौसम भी है और बहुत खूबसूरत ये डेकोरेशन भी है। और आर्केस्ट्रा में म्यूज़िक चल रहा था, तो फिर मैंने ओरिजिनल साउंड म्यूट करके अपनी वॉइस ओवर की है ताकि कॉपीराइट ना आए। इसी कारण से मैं आपको आर्केस्ट्रा के मधुर गाने भी नहीं सुना सकती। और ये देखिए आगे सामने ये भोले बाबा की बड़ी सी एक मूरत भी दिख रही है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। और इस यहाँ पे अब हम लोग सब पहुँच गए हैं और यहाँ पे काउंटर पे व्यवहार लिखा जा रहा था, जिसको जो भी गिफ्ट्स वगैरह देने हैं तो वो यहाँ पे अपना दे रहा था और अपना नाम लिखवा रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जगह, इस जगह का नाम है टूरिस्ट बंगला, जहाँ से ये पार्टी थी। और जो लोग महोबा लोकल से हैं वो लोग तो जानते ही होंगे। और देखिए कितना बढ़िया जो है, तो यहाँ पर सामने स्टेज दिख रहा है आर्केस्ट्रा के लिए, और साथ में यहाँ पे खाने पीने के काउंटर इस तरफ लगे हुए थे और बीच में टेबल्स वगैरह लगी थी, तो जिसको बैठ के खाना हो तो वो बैठ के खा सकता है। और ये देखिए मम्मी पापा भी अब आ गए हैं, तो और जिसको खड़े होके अपना खाना लेना हो तो वो अपना कॉर्नर में जाके सब लोग अपना खा पी रहे थे। और अभी मेहमान आना जस्ट स्टार्ट ही हुए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए स्टार्टर में फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह आ गई हैं, तो हम लोगों ने भी अभी नाश्ता ले लिया है, थोड़ा बहुत नाश्ता ये सब हम लोगों ने भी किया। और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत खाना पीना, जो भी हम लोगों को खाना था वो हमने खाया। और अभी पूरी तरह मेहमान भी नहीं आए हैं, क्योंकि ये 8 बजे के करीब का टाइम है, तो हम लोग आ गए थे क्योंकि हम लोगों को बांदा के लिए निकलना था, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी ही आ गए थे। और 9 बजे हम लोग निकल भी गए थे और काफ़ी मेहमान मतलब आना जाना उस टाइम पे लगा हुआ था। और अभी थोड़ा ये खाली खाली जो दिख रहा है ग्राउंड, तो ये पूरा फुल हो चुका था हम लोग के जाने तक में, काफ़ी मतलब मेहमान आ चुके थे। तो यहाँ पर आर्केस्ट्रा वगैरह ये देखिए चल रहा है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये भाभी जी हमारी कब्रई वाली बैठी हुई हैं और साथ में ये चाची जी जिनकी नातिन का बरहो है, और दोनों लोग मुझसे कर रही हैं हाय। और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे कैप्चर करती जा रही हूँ जो भी मुझे समझ में आ रहा है। और यहाँ पे आर्केस्ट्रा में ये देखिए एक लेडीज़ गा रही हैं, बहुत सुंदर गाना गा रही थी। और फिर उसके साथ ही हम चलते हैं, देखिए हम खाने वाले दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या है खाने में। तो यहाँ पे गरम दूध और केसरिया दूध, और यहाँ पे रबड़ी, इमरती और कॉफ़ी वगैरह के काउंटर स्टार्टिंग में लगे हुए थे और मीठा वगैरह था। और यहाँ पे थी आइसक्रीम, जिसको आइसक्रीम खानी हो तो यहाँ से खा सकता था, और यहाँ से खाना स्टार्ट हो गया था। और फ्रेंड्स मैं बताऊँ, यहाँ पे खाना तो टेस्टी था ही, साथ में जो टेबल की डेकोरेशन थी ये भी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया गया था, फ्लावर पॉट्स वगैरह तरह तरह के बहुत सुंदर। मैं दिखाऊँ, ये देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, और यहाँ पे मिल गए मुझे रिंशू, देखिए। और मैंने कहा अपनी थाली दिखाओ तुमने क्या क्या लिया है, तो उन्होंने लिया था पनीर, रोटी और पापड़, और वो चले गए खाने के लिए। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ी और आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह, पनीर वगैरह की सब्ज़ी जो भी थी, तो ये सब रखी हुई हैं। और ये देखिए साथ में डेकोरेशन भी बहुत ही सुंदर थी खाने की टेबल की। और यहाँ पे दाल राइस का काउंटर लगा हुआ है, और यहाँ पे तवा फ्राई सब्ज़ी, जिसको खानी हो तो वो यहाँ से ले सकता था।
और आगे चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको और क्या क्या था यहाँ पे। और यहाँ पे पूड़ी, कचौड़ी और पापड़ वगैरह थे, और गर्मा गर्म रोटियाँ थी यहाँ पे। और बस यहाँ पे लगा हुआ था तंदूर, तो तंदूर में देखिए बढ़िया गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं। और फिर इसके आगे यहाँ पे बन रही है पाव भाजी, ये बहुत टेस्टी थी, मैंने खाई थी। और साथ में डोसा भी बहुत टेस्टी मुझे लगा, मैंने डोसा भी खाया था। और ये चाउमीन का काउंटर लगा हुआ है, और यहाँ पे डोसे के बगल में ही सब इडली सांभर वगैरह सब रखा हुआ है। और यहाँ पे दही बड़ा था, तो जिसको जो भी खाना था तो सब अपना खा रहे थे। और यहाँ पे एक काउंटर गोलगप्पे का भी लगा हुआ था, ये देखिए। और आपसे मिलवाती हूँ मैं श्रीजा से, जिनका बरहों है। ये देखिए कितनी क्यूट लग रही है श्रीजा। और यहाँ पे श्रीजा की मम्मा उनका फ़ोटो शूट कर रही थी, ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही हैं श्रीजा। तो इन्हीं का बरहों था और इन्हीं के लिए ये पार्टी रखी गई थी। और यहाँ पे देखिए उनकी फ़ोटो वगैरह खींच रही हैं उनकी मम्मा। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे, बस इसी तरह से। और बस अब हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और सब लोगों से मिलना जुलना हो गया है। अभी आपने देखा पापा जी और चाचा जी लोगों का भी मैंने फ़ोटो वगैरह खींची यहाँ पे, वो मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी व्लॉग के बाद, आप लोग देख लीजिएगा। और बस थोड़ा सा मैंने सोचा यहाँ पे और शूट करें, और अब मेहमानों का आना लगा हुआ है और अच्छी खासी भीड़ भाड़ यहाँ पे हो गई है। और बस अब यहाँ पे देखिए ये श्रीजा बैठी हैं अपनी दादी की गोद में, और ये चाची जी हैं, और ये हैं चाचा जी। और यहाँ पे मम्मी सबसे विदा विदाई ले रही हैं, और यहाँ पे ये गोलू। और फिर बस हम लोगों की भी अब जाने की ही तैयारी है। और ये देखिए यहाँ पे गोलू कर रही हैं सबसे हाय, ये देखिए। और बस फ्रेंड्स यहाँ पे पार्टी से अब हम लोगों ने ले ली है विदा विदाई, और अब हम लोग 9 बजे ये निकल रहे हैं बांदा के लिए। और रात को 10:30 बजे हम लोग फिर पहुँच गए थे बांदा, और यहाँ मैंने सबसे किया बाय और मैं चल दी बांदा की तरफ। बस फिर यहीं पे अपने मैं वीडियो को एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।